प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे डिप्टी सीएम साहब सचिन पायलट जी, एआईसीसी के सेक्रेटरी प्रभारी राजस्थान विवेक बंसल जी, हमारे वरिष्ठ नेता प्रभारी जयपुर धारीवाल साहब, चांदी धारीवाल साहब, बी डी कल्ला साहब, कैंपेन कमेटी चेयरमैन स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, प्रताप सिंह खाचरेवाल जी, महेश जोशी जी, अस्कली टाक साहब, रवीन खान साहब, अमीन कागजी जी, आदरणीय श्रीमती गंगा देवी जी विधायक, हमारे नए साथी घनश्याम तिवारी जी, ब्रेकिशोर शर्मा जी, ज्योति खंडेलवाल जी, विष्णु लाटा जी, श्रीमती अर्चना शर्मा जी, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, सीताराम जी अग्रवाल, बहुत लंबी लिस्ट है और यहाँ राजाराम जी मिल बैठे हुए हैं, खटाना साहब, रोहित बोरा जी, सुरेश मिश्रा जी, घनश्याम मेहर जी, अजीरुद्दीन जी आजाद, वीरेंद्र पूनिया जी, निजाम कुरैशी जी, वीरेंद्र पूनिया जी, नीता सिंह जी, समाधि मंच उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, आज जयपुर में आप सबसे मिलने का एक विशेष अवसर पर मौका मिल रहा है। चुनाव के बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको कहा, आप सबकी सलाह से, आपकी भावनाओं को देखते हुए, हम सबकी सलाह से हमारे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने यहाँ से पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल जी को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया। ज्योति खंडेलवाल आपके लिए नई नहीं है, वो मेयर रही थी सीधे चुनाव के अंदर, उस वक्त भी आपका भरपूर आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला, समर्थन मिला और वो कामयाब हुई। लंबे अरसे बाद 30-35 साल के बाद में जयपुर में नगर निगम में हमारा कब्जा हो सका था, वो आप सब आपके आशीर्वाद का परिणाम था। 5 साल ज्योति खंडेलवाल तो रही मेयर, धारीवाल ही रहे मंत्री यूडीएच के, एनएसजी के। मुझे याद है कि 20 साल पहले जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना, तब से बदलाव शुरू हुआ जयपुर का, अलग ढंग का, जिसमें सड़कें चौड़ी हुई, जवाहरलाल नेहरू मार्ग हो, कठपुतली नगर की सड़क हो, ओवर ब्रिज चौड़े करने हो या ओवर ब्रिज नए बनाने हो, अंडरपास बनने हो, गुजर की थड़ी वाला हो या टनल बनी हो घाट की घोड़ी पर, जो जो कुछ भी उस पर शुरू किया था, अभी तक पिछली गवर्नमेंट तक हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बरामदे खाली करने की बात में तो आप सब लोगों को घर हुआ था कि बरामदे भी खाली हो गए, कल्पना नहीं थी किसी को। इस प्रकार से कांग्रेस शासन ने ही, चाहे आजादी के बाद में जो कुछ जयपुर दिख रहा है आज अपने को, आजादी पहले तो क्या था जयपुर बुजुर्गों को मालूम है, नई पीढ़ी को नहीं मालूम। आजादी के बाद में जयपुर का जो स्वरूप निखर के आया है वो कांग्रेस की देन है। उसी रूप में आज जयपुर पूरे देश के अंदर अपनी अलग लोकप्रियता रखता है। हर व्यक्ति की इच्छा करती है मैं जयपुर जरूर जाऊं, राजस्थान जरूर जाऊं। बड़े बड़े जाए, जयपुर हो, उदयपुर हो, जोधपुर हो, जैसलमेर हो और भी सिकावटी हो, हर जिले के अंदर यहाँ टूरिज्म को लेकर भी बहुत बड़ी संभावना बनी रहती है। तो राजस्थान की अलग पहचान बन चुकी देश के अंदर, और राजस्थान आज आपको मालूम होना चाहिए कि एरिया की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया, जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से, उसी के अनुरूप यहाँ की सरकार ने काम किया। और क्या नहीं किया यहाँ पर, जो कुछ दिख रहा है जयपुर में वो कांग्रेस ने किया। वसुंधरा जी ने क्या किया, हमारे कामों के चौराहे पर एक तो सजावट करी, मूर्तियां लगाई, श्रृंगार किया कि भाई ये जयपुर में चौराहे पे किस किस की मूर्ति लगी हुई, वो बनी हुई थी आयरन की, या ओवर ब्रिज के अंदर मांडे बार बार मिटते रहे मांडते गए, ये तो मैंने देखा। पर
जिस रूप में पिछली बार भी उनको वक्त मिला ही नहीं काम करने का, ललित मोदी ने पूरा वक्त, वसुंधरी के पूरा ललित मोदी ने ही वक्त ले लिया, काम करने नहीं दिया उनको, वो लंदन बैठे हुए हैं। कितने आरोप लगे थे उनके ऊपर, कोई सोच सकता था? ये सीट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जयपुर की जनता में हम कई बार चर्चा करते हैं कि यार आजादी के बाद में मुश्किल से एक बार नवलपुर सामारी जीते थे, एक बार महेश जोशी जीते, ऐसा क्या कसूर किया कांग्रेस ने भाई कि जयपुर की जनता बीजेपी को तो जिता देती है, जिसने कभी ध्यान नहीं दिया विकास पर, काम नहीं किया, और कांग्रेस का क्या कसूर है जिसने हमेशा यहाँ के लोगों से प्यार किया, स्नेह किया, विश्वास किया, सुख दुख में साथ निभाया, हर मुख्यमंत्री ने, तब भी आपने साथ नहीं दिया। इस बार आपकी वापस परीक्षा है, पिछली बार तो मोदी जी ने झूठ बोल करके, जुमले बोल करके अच्छे दिन आएंगे, अब तक लोग इंतजार करेंगे अच्छे दिन कैसे होते हैं, कब आएंगे, पूरा 5 साल निकल रहा उनका, उनकी पोल खुल चुकी है। पर आपको मैं अपील करूंगा कि इस बार वापिस आप कैसे कांग्रेस को कामयाब करें, जो कार्यकर्ता बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमारी बहनें बहुत आई है, सबको मैं अपील करूंगा कि आप लोग अगर संकल्प लेके जाएं, चुनाव जब जीता जाता है जब खुद के मन में जीतने की लालसा भी हो, आत्मविश्वास भी हो और संकल्प भी हो, मुझे यकीन है कि इस बार वापिस बारी कांग्रेस की है। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आएंगे बाद में वापस आएंगे, नगर निगम के आएंगे चुनाव, पंचायतों के आएंगे, नगर निगम के अंदर वापस सरकार बनती, हमने कह दिया है चुनाव सीधे होंगे पहले की तरह, डायरेक्ट चुनाव होंगे वापस। तो कृपा करके आप जो है इस बार कोई कमी नहीं रखें, आप रिकॉर्ड बनाएं, मिशन 25 का नारा दिया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिया, हमने दिया, सबने मिलके दिया है, राजस्थान भर में माहौल कांग्रेस पक्ष में है, सरकार बने हुए 3 महीने हुए हैं, आप लोग मोड़ लगाओगे इस बार और एक बार कड़ी से कड़ी जुड़ेगी आपकी, तो दिल्ली की पंचायत में जब आवाज उठेगी तो राजस्थान गवर्नमेंट को इमदाद ज्यादा मिलेगी, पैरवी करने वाले हमारे लोग होने चाहिए वहां पर। मोदी जी के जुमले तो बहुत हो चुके हैं, पर देश के अंदर लोकतंत्र खतरे के अंदर है, चिंता इस बात की है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, ऑल पॉलिटिकल पार्टी कहती है विपक्ष की तो उसमें कोई दम होता है, और जिस प्रकार मोदी जी झूठे वादे कर रहे हैं, अभी भी चुनाव लड़ा जाता है, राहुल गांधी जी कहते हैं हमारी कोई अदावत नहीं है मोदी जी से, नहीं है आरएसएस से, नहीं है बीजेपी से, नहीं, वो अपनी बात कहे, हम अपनी बात कहें, हम नीतियों के कार्यक्रमों के सिद्धांतों के आधार पर बात करना चाहते हैं, तो आप क्या करना चाहोगे पब्लिक के लिए, आपकी उपलब्धियाँ क्या बताओ, आप देश को 5 साल की उपलब्धि क्या है, देखा जोखा दो जनता के माई बाप को बैठे हैं, वो तय करते कौन सरकार बनाएगा, हम अपनी बात कहेंगे फिर जनता फैसला करे। तो मोदी जी ध्यान पूर्व करें, क्योंकि पूरी तरह नाकाम हो गए तो वो पुराने वादों को भूल गए, उनका मैनिफेस्टो सिफर है, पुराने वादों का जिक्र ही नहीं है, ना रोजगार का है, ना काले धन का, ना किसी का है, और गुमराह करने का काम करते हैं हिंदुत्व के नाम पर, क्या हम लोग हिंदू नहीं यहाँ बैठे हुए लोग, राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, क्या राष्ट्र प्रेमी हम लोग नहीं है, इस प्रकार आप ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतना चाहते हो, वो चालें इस बार चलने वाले नहीं है, जनता आपकी चालों को समझ चुकी है, आप असत्य बोलते हो, झूठे वादे करते हो, जुमले बोलते हो, जनता में आप पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हो, और तो राहुल गांधी जी बार बार पूछते हैं जो राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं कि भाई आप ये बताओ राफेल जो है शानदार विमान है, लड़ाकू विमान, हमने हमारे वक्त में टेंडर करके 2 कंपनी आई थी, राफेल को हमने चयन किया, 526 करोड़ उसकी कीमत थी, सरकार बदल गई या तो टेंडर कैंसिल होता, जैसे कोई सड़क का टेंडर बनता है
नया धंधे करना पड़ता है, वापिस करना हो तो, अगर रेट बढ़ानी हो तो। इनको पूछो 526 करोड़ का लड़ाकू विमान सरकार बदलते ही बिना टेंडर कैंसिल किए हुए, बिना नया टेंडर खोले हुए आपने 1660 करोड़ में कैसे खरीद लिया? कोई जवाब नहीं दे रहे आज तक। वो उनको पूछो आपने कैसे ही कर दिया, और 126 प्लेन की जरूरत है देश को, 126 जरूरत थी उस वक्त में, आप उसमें 36 पे आ गए। प्रक्रिया डिफेंस मिनिस्ट्री एडॉप्ट कर रही थी, आपने क्या कारण पीएमओ ने खुद ने खरीदने की नई प्रक्रिया पैरेलल शुरू कर दी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि नहीं हम इसकी जांच करेंगे, झटका लगा सरकार को कल। तो जितनी बात कही उतनी कम है इनके बारे में। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, ये देश की तकदीर का फैसला करेगा, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बन गए, अभी तो छापे पड़ रहे हैं, इतना धन इकट्ठा किया नोटबंदी के बाद में कि हमारी गवर्नमेंट आएगी यूपीए की, हम तो चाहेंगे कि नोटबंदी की भी जांच हो कि कितना बड़ा घोटाला इसके अंदर किया गया, पूरा देश को बर्बाद कर दिया। मजदूर घर बैठ गए, धंधे बंद हो गए, चौपट हो गए व्यापारियों के, नौकरी निकाल दिया गया है अपने कर्मचारियों को, अधिकांश फैक्ट्रियों ने, ना ब्लैक मनी खत्म हुई, ना कमर टूटी नक्सलवाद की, ना आतंकवाद खत्म हुआ जिसके लिए कहा गया था। ट्रक भर भर के पैसा जा रहा है बीजेपी के कैंडिडेट के पास में, ऑफिसर बन रहे पूरे देश के अंदर, 56 ऑफिस बन गए यूपी के अंदर। आप बताइए ये पैसा कहाँ से आ रहा है, और हमारे लोगों पे छापे डाल रहे हैं। यदि मोदी जी पूछो आपकी सरकार में आपके बीजेपी के लोगों का कहीं छापा पड़ा? वो क्या दूध के धुले हुए लोग हैं क्या? बीजेपी ने आरएसएस ने बड़े बड़े कड़ाव लगाए होंगे, दूध दूध भर करके उनमें डुबाया होगा नेताओं को, फिर निकाला होगा, दूध से धुले हुए हैं ये लोग। क्या हो रहा देश के अंदर, मजाक बना रखी है। AICC का जो अकाउंटेंट है हमारा, 40 साल से हम देख रहे हैं उसको, उसके घर पर छापा डाल दिया। ऐसा माहौल ये घनश्याम तिवारी जी जानते हैं, जब इन्होंने पार्टी छोड़ी तो इनको कहना पड़ा कि तो जेल गए हुए इमरजेंसी के अंदर। इमरजेंसी से खतरनाक स्थिति देश मार बन चुकी है, इमरजेंसी से खतरनाक स्थिति इनके शब्दों के अंदर। इन्होंने क्या कहा, अमित शाह और वसुंधरा जी यहाँ की संपत्तियों को लूटने का काम कर रहे हैं, जो 50 साल तक बचपन से 6-7 साल की उम्र से आरएसएस का कार्यकर्ता बना हो उस पर क्या बीती होगी। मैंने उस दिन भी कहा था रामलीला मैदान के अंदर, क्या बीती होगी ये सोचते हुए कि मैं इस पार्टी को छोड़ रहा हूँ, जहाँ की सरकार है उनकी, प्रधानमंत्री क्या बैठा हुआ है, भारत सरकार इनकी, राजस्थान सरकार इनकी, तब भी आदमी पार्टी छोड़ने की बात करता रहा, आवाज उठाता रहा यहाँ के लोगों की, क्या बीती होगी उसके ऊपर। ये आरएसएस वाले बड़ी बड़ी बातें करते चार चरित्र चेहरे की, क्या आपने घनश्याम तिवारी को न्याय दिलवाया? आपने नहीं दिलवाया, किसी ने नहीं दिलवाया, इसलिए वो मजबूरी के अंदर पार्टी छोड़ करके यहाँ पर आए। इतनी बहुत हालत खराब है देश के अंदर, और आपसे मैं अपील करूंगा कि कहने की बातें बहुत सारी, राजधानी के लोग हो, आप टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सब नॉलेज आप लोगों को है, और टीवी वाले हमारे जो है साथी ये बहुत मेहनत करते हैं हमारे जो यहाँ पर संवाददाता है, पर इतना दबाव इनके मालिकों पर, इनके संपादकों पर, इनके एंकर पर, ये सच्चाई नहीं दिखा पा रहे, ये झूठ दिखाते हैं, झूठ दिखाते हैं। मोदी 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 इतना भर बैठा हुआ है, कहीं इनकम टैक्स आ जाएगी, कहीं CBI छापा डाल देंगे, ED वाले आ जाएंगे। ये लोकतंत्र में ऐसा संभव है? लोकतंत्र बचाने के चुनाव हम क्यों कहते हैं? अगर मीडिया स्वतंत्र नहीं हो, आप लोग बोलोगे खिलाफ सरकार के, आप देशद्रोही कहलाओगे। अभी मैं न्यूज पढ़ रहा था आज ही, मणिपुर के अंदर कल छोड़ा गया एक व्यक्ति को, पत्रकार था वो,
उसने सरकार के खिलाफ लिख दिया, मेरे ख्याल पत्रकार था वो, आजकल छुटा वो, तो वो सरकार के खिलाफ लिख दिया राष्ट्रद्रोह, एनएसए के ऊपर मुकदमा बना दिया, जेल में डाल दिया उसको, कल जाके छूटा वो। क्या देश में लोकतंत्र की जो परंपरा स्थापित की कांग्रेस ने, उसको आपने कायम रखा है, रखना चाहते हो आप? आपकी नीयत क्या है? 50 साल तक राज करेंगे? अरे भाई, ये माई बाप ये बैठे हुए हैं, जनता चाहेगी तो 50 साल राज करते हैं, कैसे कर सकते कोई? इनकी मंशा ये है, मुकुटा पहना लोकतंत्र का, जीतने के बाद में फासिस्ट सोच इन लोगों की है। ये चुनाव जीत जाते पता नहीं उसके बाद चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे, चाइना की तरह पहले तय हो जाएगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा। तो कृपा करके आप इन बातों को समझो, मैं बातें मुख्यमंत्री हूँ, राजस्थान के प्रथम सेवक हूँ मैं, आपके आशीर्वाद में 3री बार बना हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको असली आगाह करूं, लोगों को, प्रदेशवासियों को, मेरा फर्ज बनता है। क्या क्या हो रहा दिल्ली के अंदर, देश के अंदर, को सोच सकता है? पूरा भय का, आतंक का, हिंसा का माहौल हो गया देश में। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी राजनीतिक लड़ाई है, हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, प्यार से भाईचारे से राजनीति करो। डरा रखा, पूरे मुल्क को डरा रखा है, ये भय पैदा कर रखा है, और अभी ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतना चाहते हैं। किस प्रकार से आपने खेल खेल रहे हो आप लोग? अरे इंदिरा गांधी के जमाने में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए इंदिरा गांधी ने, पर कभी राजनीति उसके नाम पे नहीं करी। 90,000 अभी लघु समय कह रहे थे, 90,000 उनके कर्नल, जनरल, मेजर, सैनिकों के सरेंडर करवा दिए हथियार, नई पीढ़ी को मालूम नहीं है। युद्ध चला, अमेरिका का साधा बेड़ा आ गया समुद्र में, उसकी परवाह इंदिरा गांधी ने नहीं करी, पर कभी उसके नाम से वोट नहीं मांगे। ये नहीं कहा कि मेरी मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है, सेनाओं की उपलब्धि है, हमें उस पर गर्व है, ये कहा गया आज तक? ये तो इसरो से उपग्रह छोड़ा जाता है तो खड़े होके कहते मैं अभी आने वाला हूँ टीवी के अंदर, बहुत बड़ी आपको खबर दूंगा। लोग चिंतित हो गए थे उस दिन, पता नहीं आज कौन सा नोट बंद कर देगा ये। और बाद में क्या हुआ, वो काम जो साइंटिस्टों को कहना चाहिए था कि हमें गर्व है कि हमने आज ये काम भी किया, वो उन्होंने कहा, हर चीज का श्रेय खुद लेना चाहते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक करी हमें, हम उनको सलाम करते हैं, उनकी बहादुरी को, जान को हथेली में रख करके सीमा की रक्षा करते हैं, और उसके नाम से आप चुनाव जीतना चाहते हो? आपको बताने के लिए उपलब्धि है ही आपके पास में? आप सेना को पीछे छिप करके चुनाव जीतना चाहते हो? आप धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव जीतना चाहते हो? क्या राष्ट्रवादी बाकी लोग नहीं है, देशवासी? आज सब लोग डरे हुए हैं, इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, एक रवीश कुमार इनका टीवी का, एनडीटीवी का एंकर है, आप देखते हो कोई एनडीटीवी? कोई देखते हैं? हाथ खड़ा करो, कौन देखते हैं? ओ बताइए आप, उसने क्या कहा रवीश कुमार ने कि मैं खुद एंकर हूं, और आज क्या स्थिति बन गई देश के अंदर? मुझे शर्म आती है कि किस प्रकार से हम लोग बोलते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, कितना दबाव के अंदर है। और उन्हें अपील करी 2 महीने तक देशवासियों को टीवी देखना बंद कर देना चाहिए, बताइए आप? यह स्थिति है, ये कोई मामूली बात नहीं है, एंकर बोल रहा देशवासियों के लिए, 2 महीने टीवी जो हम चलाते हैं वो बंद कर दो, वरना आप गुमराह हो जाओगे, कहीं देख देख करके कहीं मोदी को वोट नहीं दे दो, गलत फहमी के अंदर। इसलिए कृपा करके ज्योति खंडेलवाल, जिसको आप देख चुके हो, उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तव्य देख चुके हो, ये संघर्षशील महिला है, आपके बीच में रहेगी हमेशा, सुख दुख में साथी बनेगी, आपकी पैरवी करेगी, जयपुर क्षेत्र की विकास में भागीदार बनेगी, और दिल्ली की पंचायत में जयपुर की आवाज को बुलंद करेगी, ये जमानत देने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बाकी तो सब आते जो काम किए, क्या कर रहे हैं, सब आपको मालूम है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, समय बहुत हो गया, हमें जाना आगे, आप सब पता रहे उसके लिए धन्यवाद, पर आपको मैं माफी की अपील करूंगा, आप सब लोग संकल्प के जाएं,
ऑटो क्षेत्र में आप लोग इस प्रकार से काम करें, योजना में तरीके देंगे, हम लोग कामयाब हो। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।